इस वक्त इंदौर से एक बड़ी खबर हमारे पास आ रही है, जहां पर इंदौर के वरिष्ठ भाजपा नेता विष्णु प्रसाद शुक्ला का गुरुवार को इंदौर में इलाज के वक्त निधन हो गया। उन्हें बड़े भैया के नाम से भी जाना जाता था। बीते कुछ समय से बताया जा रहा है कि उनकी तबीयत ठीक नहीं थी। वहीं अगर बात की जाए तो उनके एक बेटे कांग्रेस में विधायक है, जो जिनका नाम संजय शुक्ला है। साथ ही अगर बात की जाए तो विष्णु प्रसाद शुक्ला का जन्म 1937 में जानापाव के पास हुआ था, जहाँ पर वे वहाँ से उन्होंने जो है धीरे धीरे राजनीति शुरुआत की थी, जिसके बाद वे बड़े भैया के नाम से जाने जाने लगे। इस वक्त उनकी उम्र तकरीबन 86 वर्ष बताई जा रही है। उनके निधन जो है इंदौर में इलाज के दौरान हुआ। साथ ही अगर बात की जाए तो उनके निधन के बाद इंदौर सहित पूरे मध्य प्रदेश की राजनीति में शोक छा गया, क्योंकि एक ब्राह्मण समाज से थे और एक ब्राह्मणों में उनका एक बड़ा वजूद था। तो इसमें बात की जाए तो इस वक्त की सबसे बड़ी अपडेट हम आपको बता रहे हैं जो हमारे पास है, कि भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता विष्णु प्रसाद शुक्ला का गुरुवार को इलाज के दौरान निधन हो गया। साथ ही अगर बात की जाए तो विष्णु प्रसाद शुक्ला का पूरा परिवार भाजपा से जुड़ा रहा है। फिर उनके बेटे जो संजय शुक्ला थे, वे कांग्रेस से विधायक हैं। हाल ही में संजय शुक्ला ने इंदौर में कांग्रेस महापौर प्रत्याशी के तौर पर चुनाव भी लड़ा था, जिनके सामने भाजपा ने पुष्पमित्र भार्गव को जो है उतारा था। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी पुष्पमित्र भार्गव ने जो है उनके बेटे को करारी हार दी है। वहीं अगर बात किया है तो लगातार उनका पूरा परिवार भारतीय जनता पार्टी से जुड़ा रहा है। उनके बेटे संजय शुक्ला भले ही कांग्रेस में विधायक है, लेकिन उनके पूरे परिवार की बात किया है तो वे खुद जो है भारतीय जनता पार्टी से ताल्लुक रखते हैं। ऐसे में बात किया है तो भारतीय जनता पार्टी सहित कांग्रेस में शोक की लहर छा गई है। इस वक्त की सबसे बड़ी अपडेट थी जो हम आप तक पहुंचा रहे हैं।